पता चला ले जाए पकड़ के मुझे जेल में डाल दें। क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत जबरदस्त होती है, आप चाहो तो कहीं भी किसी को भी ले जा सकते हो। नाइस टू मीट यू ब्रो, यू आर स्टार ऑन टिकटॉक। या या लुक लाइक कश्मीरी। अगर बात बने तो बाथरूम में ले जाओ। तो भैया वहाँ सड़कों पे ना इस तरह से घर से लोकल आंटीज वगैरह यहाँ सामान सेल करने आ जाते हैं। तो भैया ये जगह की वाइब्स अलग है, इसका नाम है तजाम। मेरे पास खुले नहीं थे, उन्होंने कहा भैया ऐसे चले जाओ ट्रैवल कर लो, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि चेकिंग होती है यहाँ पे, पता चला ले जाए पकड़ के मुझे जेल में डाल दें। हाँ भैया मुझे याद आ गया, यहाँ सर्कस होती है। सर्कस, अगर आपको बचपन की यादें ताज़ा करनी तो सर्कस देख सकते हैं यहाँ पे। ओ देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और जैसे कि पता हम घूम रहे हैं कजाकिस्तान, अल्माटी। कजाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है अल्माटी। अभी जिस स्ट्रीट पे मैं जा रहा हूँ उस स्ट्रीट का नाम है अरबत। ये स्ट्रीट का वैसे रात को माहौल ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं प्रोस्टिट्यूट समझ रहे हो ना, वो लीगल है। और उसके कारण क्या है कि भैया यहाँ पे सारे काम, यहाँ पे क्लबों वलबों में सब कुछ लीगल तरीके से होते हैं। इवन वहाँ पे बाथरूम ये वो कुछ भी खाली नहीं होता है, आप चाहो तो कहीं भी किसी को भी ले जा सकते हो। इवन इन सब चीज़ों के लिए तो भैया इसकी वेबसाइट भी है, अगर आप ऑर्डर करना चाहो ऑर्डर कर लो, जाना हो तो चले आओ। पर फिलहाल मैं जिस स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ वहाँ आसपास मॉल मार्केट माहौल रात के 12, 1, 2, 3 गर्मियों में तो सुबह 4 बजे तक रहता है। आपको दिन में दिखाते हैं क्या माहौल है यहाँ का, मज़ा आने वाला है। मैं अभी आया हूँ जिस बस से, तो वो मैंने यूज़ करा और मैंने भैया उसके पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं जब टिकट के लिए मतलब उसको पेमेंट कर रहा था उसके खुले नहीं थे। उसने कहा बैठ जा भाई, मैं कहा ठीक है भाई, मैं बैठ गया भाई। और 200 टेंगे थे, यानी यहाँ टेंगे चलते हैं, टेंगे करेंसी की बताता हूँ तो हमारे इंडिया का 1 रुपया यहाँ आने के 5.5 हो जाते हैं, 5.5 टेंगे। खाने पीने को इस तरह से यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह सिस्टम रहता है। भूख भी लग गई एक्चुअली, मैं सुबह खाया था। और ये यहाँ की है अरबत स्ट्रीट, काफ़ी मशहूर है। इसके दोनों तरफ मॉल मार्केट दोनों ऐसे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा क्राउड आता है और काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। यार मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए आया क्योंकि मैं आया था शाम के वक्त, मैं एक बार दिन का क्राउड देखना चाहता था। हेलो हाय, हाउ आर यू, इंडिया, नाइस टू मीट यू ब्रो। तो भाई दिन का माहौल देखना चाहता था कैसा है यहाँ पे, दिन का माहौल कुछ इस तरह का है। और ये जो मार्केट है, ये जो मॉल है, ये वाला, इसके अंदर आईफोन मिलते हैं एज़ कम्पेयर इंडिया के शोरूम के कंपैरिजन यहाँ पे सस्ते हैं। हाँ बार्गेनिंग करोगे शायद और भी सस्ते मिल जाएँ, सेकेंड हैंड भी मिलते हैं, नए भी मिलते हैं। तो अंदर शूट करना अलाउ नहीं है, फिर मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं। खाने पीने के काफ़ी सारे स्टोर आसपास मिल जाएंगे। माहौल देख रहे हो क्या ही गर्मा गर्म है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो लोग यहाँ पे दिन के वक्त चिल करते हैं भाई, क्योंकि दिन के वक्त क्या होता है कि भैया धूप डायरेक्टली पड़ती है। धूप पड़ने की वजह से भैया मेरा थोपड़ा भी ख़राब हो गया है, पहले दिन आते टैन हो गया था, मतलब स्किन एलर्जी हो गई थी मुझे, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। और ये कुछ स्ट्रीट है अराउंड यहाँ से लेके अराउंड वो सामने दिख रहा है आपको, वहाँ एंड तक है, लगभग होगी 1/2 किलोमीटर लंबी। दोनों तरफ आपके स्टोर्स बने हुए हैं, शॉप्स बने हुए हैं, स्टोर्स खाने को, डिस्कोस क्लब आगे पीछे वाली रोड पे बने हुए हैं। काफ़ी सारे क्राउड यंगस्टर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है यहाँ पे। हाय बड़ी, हेलो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी डिटेल पता चल जाएगी। 14 दिन का इंडियंस को वीज़ा फ्री है यहाँ के लिए, और ना कि सिर्फ 14 दिन का, अगर आप यहाँ से इन आउट करते हैं 7 वाली कंट्री में जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं फिर 14 दिन की एंट्री फ्री है। और टिकट हाल फिलहाल हमारे इंडिया से यहाँ की गोवा के बराबर है, अराउंड 10,000 में आपका अप डाउन हो जाएगा, इतनी सस्ती टिकट हो रखी है। इसलिए दुनिया भर के टूरिस्ट सभी यहाँ पे आ रहे हैं इंडियंस। 72-75% यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, पर जो कि आप देखने से आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। बाकी ये कुछ माहौल है इस वक्त दिन के वक्त का यहाँ पे अरबत स्ट्रीट का। तो चलो अंदर मॉल के अंदर चलते हैं, आपको दिखा के लाता हूँ। वैसे तो अलाउ नहीं है शूट करना, यहीं लिख दिया है, सारी मोबाइल मार्केट है सारी, और साथ में KFC भी है। भाई मॉल का नाम तो मुझे मालूम नहीं, सारे आईफोन मिल रहे हैं और एज़ कम्पेयर प्राइसिंग काफ़ी ठीक ठाक है, डिस्काउंट भी मिल जाता है, इवन 15 प्रो मैक्स 15 सब मिल रहा है भाई, ठीक ठाक रेट पे मिल रहा है, मैं देखा है। तो अगर आप आ रहे हो तो भैया यहाँ से आके ले सकते हो, नीचे न्यू थे ऊपर सारा यूज का है भाई, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। वैसे तो मैं देखो उनकी तरफ शूट नहीं कर रहा, पूरे ऊपर यूज फोन बिक रहे हैं हर जगह, पूरी बहुत बड़ी मार्केट है भाई, मस्त मॉल है यहाँ का, सही बता रहा हूँ। लोग चिल कर रहे हैं, ये देखो म्यूजिक व्यूजिक चल रहे हैं, लोग इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं यार खूब, बड़ा कूल सा माहौल है। और ये पुलिस वालों का सामने ये है, ये देखो। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये मॉल है, उसके अलावा और भी मॉल होंगे शायद, पर मुझे फिलहाल यही मालूम है, देख रहे हो ना। हेलो, यू कजांगल, कजाक, कजाक, यू डूइंग मे बी टिकटॉक, नो
Oh yeah, we do TikTok. Why TikTok girls? You want to see our TikTok? No, we are from India. TikTok is banned in India. Oh really? Yes. Oh. I'm doing vlog, YouTube. Oh okay. YouTube. Hi. So your good name? Hi. Your name? Junaid. Yes. इनके नाम कुछ इस तरह का. Your name? Anil. Anil. Janil Anil. 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 Yeah. भाई नाम इन हिंदू नियम में जुनेद अनिल इस तरह के नाम है और टिकटॉक बनाते हैं. हाउ मेनी फॉलोअर्स इन योर टिकटॉक? 53,000. 53,000. भाई टिकटॉक पे स्टार है भाई. यू आर स्टार ऑन टिकटॉक. नो. या यू सी यूट्यूब? YouTube, a little bit. Little bit. I was in Bangkok yesterday. Oh, wow. Nice. अभी ये कुछ टाइम पहले बैंकॉक में थी. Nice. How was the Bangkok trip? It was very nice. It was very, but it was like super rainy. My feet all over like the knee. It's soaked completely. Which places you covered? In Sukhumvit. Sukhumvit, yeah. Bangkok. Yeah. And you going Pattaya, Phuket, Krabi, Koh Samui? No. I was there only for twice concert. Okay. Concert? Yeah, concert of K-pop group twice. Oh, bhai, concert karne gaye the. Nice, yaar. You are really star. Okay. Thank you. Nice to meet you. Okay. Bye. Pakka. भाई ये तो सेलिब्रिटी के लिए टिकटॉक. यार टिकटॉक हमारे इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो गया है तो बस यहाँ टिकटॉक चलता है और लोग यहाँ देखो इस तरह से ना आते हैं न्यूज़ रिपोर्टर ये टिकटॉक रील्स कुछ ऐसा यहाँ भी बन रहा है. पजल करा रहे हैं पजल. बढ़िया यार इस तरह से खाने वाने का इनका सिस्टम रहता है और इन्जॉय करो बैठो चिल करो यार. अगर आपके साथ है ठीक है नहीं है तो भी ठीक है कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. बाकी आप देख ही सकते हो लोग यहाँ फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं. अभी इंडियंस आपको ना रात को यहाँ नज़र आएंगे. रात को यहाँ आ जाते हैं क्लासेस वासेस करके ना. हेलो यू आर कजान गर्ल्स? कजान मुँह छुपा लिया इसने. बहुत ही प्यारी जगह है. अगर आप आ रहे हो डेफिनेटली मैं कहूँगा यहाँ पे ज़रूर आना. मज़ा आ जाएगा आपको. काफ़ी अच्छा लगेगा. काफ़ी अच्छा माहौल है तो भाई इस तरह का चिल माहौल रहता है यार. बढ़िया यार लोग फ़ोटो वीडियो करा रहे हैं. लोग इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शौकीन हैं. कहीं कोई प्रोग्राम कर रहा है कोई कहीं प्रोग्राम कर रहा है. क्या मैंने देखा था कई लोग ना पेंटिंग्स हाथ से बनाते हैं तो इस तरह से बेचते हैं यार हैंडमेड पेंटिंग्स. बाकी इस तरह की चीज़ों का आपको शौक है तो डेफिनेटली देखो काफ़ी सारे लोगों ने अपना लगा रखा है. पेंटिंग्स वगैरह करते हैं. अभी आगे निकलना है मेरे को रशिया के लिए इसलिए मैं ज़्यादा दूर जा नहीं पाया. ये वाकई में नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की. बहुत ही खूबसूरत है. हैंडमेड पेंटिंग्स है सारी. और घोड़ों को लेकर ना यहाँ पे मतलब एक प्यार भी है और घोड़ों को खाते भी. और वो घोड़ों का अगर आप किसी के जाते हो अगर आपको उन्होंने घोड़े सर्व करा घोड़े का मांस समझ लो वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं. हेलो प्रिवियत यू आर रशियन? Yes, Kazakh. Kazakh. Yes. Okay. You look like little bit Indian. She is your daughter? No. Yes, my daughter. Your daughter. She is properly look like Indian. Your husband is Indian? No. No, Kazakh. Kazakh. But you look like similar look like in Indian in Kashmir. Kashmir in you know Kashmir in India? Yeah, look like Kashmiri. I'm little gypsy. Gypsy. Yes. Study in which class? Fourth, fifth, second, third. Three. Third. Nice. Thank you. और इस तरह की पेंटिंग एक बार मैंने भी करी थी. मेरे घर पे थी और किसी ने मुझे सलाह दी भैया कि शेर का मुंह घर पे नहीं रखते तो भैया मैंने किसी को गिफ्ट कर दी. मैं भी पेंटिंग करता हूँ और मैंने भी ऐसी एक पेंटिंग करी थी. शायद मेरे पास फोटो होगी तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा. मैं झूठ नहीं बोल रहा. मैं भी थोड़ा बहुत पेंटर हूँ. और नाइट लाइफ के लिए भैया जी खतरनाक है ये. खतरनाक इन द सेंस कि भैया यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. बहुत सारे क्लब्स हैं वहाँ पे. भैया कह रहे हैं अभी लड़के जो मुझे मिले थे कल वो बता रहे कह रहे भैया हम तो बाथरूम के अंदर अगर बात बने तो बाथरूम में ले जाओ और अगर वैसे तो चाहो तो आप अपना हेलो रूम वगैरह में भी ले जा सकते हो और उनकी जगह भी जा सकते हो. लीगल है सेफ है कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बकायदा इनकी एक वेबसाइट है. वेबसाइट का नाम मैं डाल दूंगा बच्चे ना देखे तो. ये देखो यहाँ ड्राइंग बना रहे हैं. अरे ये तो टर्की वाला हीरो भैया. इसका तो हमने सीरियल भी देखा हुआ. ये उसका चेहरा बना रखा है और इनको बैठा के पूरा कार्टूनिक स्टाइल का बना दिया. नो थैंक यू भाई. पेंटिंग्स वगैरह बनवाने चाहो तो बनवा सकते हो. बाकी अपने को शौक नहीं है. तो यहाँ पर मैंने देखा है माँ बाप ना बच्चों को खुला छोड़ देते हैं. चढ़े हुए हैं इतना ऊपर खेल रहे हैं कूद रहे हैं. यहाँ डर नहीं है लोगों को. भाई साहब चढ़ा दिया ऊपर. हेलो 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 यू आर कजान? हाय कजाकी गर्ल्स? या आई एम फ्रॉम इंडिया. कैन आई What do you say? Music, Hindi. Hindi? What kind of music you listen? Shah Rukh Khan? Amitabh Bachchan? Mithun Chakraborty? Jimmy? Yeah. What? Shah Rukh Khan? Yeah. Tujhe dekha to ye jana sanam. Like this? Wow. Na sanam. Only music. Жизнь во имя любви. Ritik Roshan?
भाई देख के बताएंगे, ये स्टार्स को फॉलो करती हैं भाई। श्रद्धा कपूर आशिकी, मेरी आशिकी तू ही हो, लाइक दिस यू 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 सिंगिंग। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, डोंट इग्नोर इग्नोर इग्नोर। हाँ अरे क्या बात है भाई, बहुत अच्छा गाते हैं। यू अंडरस्टैंड हिंदी, यू नो मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग? चुचू, योर नेम नरगिस, बुलबुल नरगिस, बुलबुल नरगिस। भाई इंडियन नाम है प्रॉपर, बुलबुल नरगिस, टिपिकल इंडियन नेम। नरगिस इज अ नूर बानो इन इंडिया, एंड बुलबुल इट्स अ बर्ड, बुलबुल इसे बुलबुल, बुलबुल का बच्चा, यू नो बुलबुल इट्स अ वेरी स्वीट बर्ड। माई नेम इज जतिन from Delhi, India. Yeah. Traveler Jatin. मैं इनको अपने चैनल का नाम बताऊँ, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ पहले। Traveler Jatin, Bulbul and Nargis. Thank you, thank you. Okay, bye bye. पक्का पक्का। हिम्मत है इनके माँ बाप की कि इनको छोड़ रखा है भाई, ये बात। और यहाँ एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। हेलो प्रीवियत, आप आओ इन्जॉय करो। फैमिलीज के लिए भी है और यंगस्टर के लिए भी है, दोनों के लिए फुल ऑन मस्ती है भाई, मैं तो आपको यही कहूँगा। ये देख लो, ये स्ट्रीट ऐसे निकल के वैसे जा रही है, बढ़िया माहौल है, सही है यार, सही है। हेलो प्रीवियत, प्रीवियत 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 प्रीवियत, देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़की है स्माइल देती हुई। बस कॉपीराइट आए मेरे उस पर, इतना बढ़िया गाना गाया उस लड़की ने भैया, कमाल कर दिया। हिंदी नहीं आती पर हिंदी गाना ऐसा गा दिया कि बस दिल खुश हो गया मेरा भी सच्ची में। हेलो कजान गर्ल्स, तो भाई कजान गर्ल देखो, योर नेम कुछ भी कह सकते हो, नाइस टू मीट यू, पक्का पक्का। और यहाँ पे यार ड्राई फ्रूट भी बहुत सस्ता है। प्रीवियत हेलो, तो भाई किसी से भी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक सामने का मॉल है क्या, पता नहीं क्या है, चलो देख के आते हैं। भाई मैं मार्केट छोटी समझ रहा था, यहाँ से शुरू हो के ये मार्केट, भाई साहब मार्केट क्या मॉल जो भी कुछ कह लो, बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी। पर खाने का मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा यार, कपड़े वपड़े तो लोग यहाँ के लगता खूब पहनते हैं, सेल लगी रहती है स्टोर में यहाँ पे। ये तो अंदर ही पेड़ लगा रखा है भाई, ये कोई क्लब है? नहीं नहीं, मैं सोचा क्लब है, अरे कपड़ों का है, बिक्री विक्री है जो बिकती हैं। कल माटी से को हमने अलविदा कर दे रहे हैं, कल जाना है हमने अस्ताना यानी नूर सुल्तान। अब जाना है ट्रेन में, ट्रेन की जर्नी है लगभग 22 घंटे की, भाई साहब बहुत होते हैं। तो भैया कुछ खाने को ले लें। और यहाँ लोग ना बहुत फैमिलियर टाइप के हैं, इस साइड ना ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता है। व्हाट इज दिस? मिक्स नट्स हनी, भाई पता नहीं क्या है, कुछ दिया है। व्हाट इज फ्रॉम? जो भी है टेस्टी है। इंडिया, केरला, दिल्ली, दिल्ली। व्हाट इज दिस? सब टेस्ट करवा देंगे। दिस इज गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? हलवा, हलवा भाई वाकई में बहुत टेस्टी है हलवा, जो भी है मतलब 4000 टेंगे का मतलब हो गया, अराउंड हो गया तुम्हारा 700-800 रुपए का। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, 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 हाउ मच मनी? भाई पैसा पूछे कितना कमाते हैं? $10,000? भाई ये तो पैसे लेके पूछेगा मान लिया। बाकी ये कि टेस्टी है, लास्ट डे ना, देन आई बाय। चीज़ों का जो टेस्ट करा दिया ना मेरा, तो सच बता रहा हूँ यही मन कर गया लेके जाने का यार। अलमाटी का मतलब सेब, और यहाँ सेब इतना बढ़िया शानदार क्वालिटी का मिलता है ना पूछो मत। तो भाई यहाँ से लेंगे अपने लिए सामान, कुछ खाने को, और बस चलेंगे, कल अपना ट्रेन पे सफ़र है। चीज़ें समझ ही नहीं आई यार, और वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा थी, और क्वांटिटी ज़्यादा लेके हमने करना है क्या, कहाँ लेके जाएँ? तो देखते हैं अपने पास में जो स्टोर है ना वहाँ से सामान ले लेंगे। भाई यहाँ के चोरी का सामान बिक रहा है, मैं तो कल लाया था साबुन बहुत महंगा, यहाँ तो चीज़ें रोड पे बिक रही हैं भाई। सही है, केचप वेचप चटनी वटनी। इंडिया? हाँ जी इंडिया, इंडिया। पाकिस्तान? अरे क्या बात है सर, पाकिस्तान में कहाँ से? लाहौर। लाहौर से, क्या बात है, यहीं रहते हो क्या? हाँ जी। क्या बात है, इंडिया की तरह लगी हुई पटरियाँ भैया सामान सामान लेने के लिए। भाई शाम को बाहर सड़कों पे ना इस तरह से घर से लोकल आंटीज वगैरह यहाँ सामान सेल करने आ जाते हैं। थैंक यू आंटी, मेरे किसी काम के नहीं। नींबू भाई जाते जाते एक अच्छा सा मुझे स्टोर नजर आया, मैं कहा देखूँ से, बार कजाक फूड लिखा हुआ था, इस तरह से कुछ खाना मिल रहा है, बर्गर कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी वैरायटी है, अब कैसे क्या रहेगा ये तो आइडिया नहीं है। और इस तरह से बैठने का, खाओ अपना चिल करो। इनके प्राइस लिखे हुए यहाँ पे,
तो अगर आपको कुछ चाहिए एक एक चीज डलवाओ और ले लो। देख के मुंह में पानी आ गया, अब तो भूख लग गई भाई, सच बता रहा हूँ। तो खाते हैं, अगर आप आ रहे हो तो इस साइड आप इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो भैया, इस तरह के ऐसे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। मेरे को चाहिए कांटा, ये रहा। तो भाई साहब हमने ले लिए हैं ये, ये है चाउमिन चिकन और साथ में ये ड्रिंक। ये पड़ा 800 टेंगे का, और ये 800 टेंगे लगभग हो गए तुम्हारे 190 रुपए के आसपास। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, पूछना पड़ता है एक बार गूगल वूगल करके ना, सब कुछ पूछ लो और अपना खाते रहो। भाई साहब मज़ा आ गया, यहाँ के चाउमिन में क्वांटिटी है चिकन की, अपने यहाँ जो मिलता है होता ही महंगा है, क्वांटिटी होती नहीं है। निकलते हैं अब अपने हॉस्टल की तरफ, रेस्ट करेंगे और रात को देखते हैं, प्लान करते हैं। तो भैया ये जगह की वाइब्स अलग है, इसका नाम है तजाम ऐसे कुछ नाम है, और यहाँ पे दुनिया भर का खाने की वैरायटी मिलती है भाई, और नहीं भी खाना तो भी यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। कुकीज पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई, क्या क्या मिलता है। नो नथिंग, आई ओनली शूट, थैंक यू। ये लॉकर सिस्टम है, आप अपना सामान जमा कर सकते हो, रिचार्ज हो जाता है, पर यहाँ पे इंग्लिश नहीं है। जिंदगी छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाय बाय गाइस, बाय बाय। I feel like I'm losing my mind.